बता भाई, ये तड़ की तड़क निकल रहा है, ऐसा क्या फायदा इसकी वैदगिरी का और हमारी भगताई का? मरीज को ही आता नहीं, ऐसा कैसे काम चलेगा? आवे भगत, मुझे नहीं पता कैसे चल रही तेरी भगताई। भगताई बहुत बढ़िया चल रही और उसकी वेदगिरी भी बढ़िया चल रही। मन ने सारे मंत्र पढ़ के धर दिए, उनने सारी जड़ी बूटी पीट के धर दी, और मरीज को आता ही नहीं। भाई थायद और आता तो कोई है नहीं, तेरी भगताई और उसकी वेदगिरी चल बहुत बढ़िया रही है। सारा कुछ नहीं हो सकता। अरे तुम्हारी छोड़, तू बता तेरा कैसे चल रहा? कौन थी वह जिसे तू कल लाया था? अरे थी कोई, छोड़ तू इन बातों को। अरे हमने तो छोड़ ही रखा, पकड़ेगा तो तू ही। रुक एक मिनट, हेलो हेलो, कौन? मैं मनीषा बोल रही हूँ। हाँ मनीषा, बता क्या बात है? बात तो कुछ ना है, मुझे तुझसे मिलना था। तो आजा फिर, मैं अपने खेत में जा रहा हूँ, तू हेल्प आ जा। ठीक है, मैं वहीं पहुँच रही हूँ। ठीक है ठीक है भाई, तू कर अपनी भगताई और मैं चलूँ। मुझे लगा भाभी का फोन आया। अरे अभी भाभी हुई ना, पर मुझे ऐसा लग रहा है भाभी हो जाएगी। अब तो होनी है, अब होके जागी। पता ना कहाँ रहेगी, यूं कह रही हूँ आ रही हूँ। आ गई तू? हाँ आ गई। मैं तो तेरा इंतजार कर रहा यार। अब न्यू बता पैर कैसा? पैर में तो आराम है अब। चल ठीक है, न्यू बता क्या काम है, क्यों बुलाया मिलने को? पहले तो अपने 400 रुपए ले जो तूने सूट के लिए दिए थे। अरे तूने तो रख, तू न्यू बता मैं इस लायक भी ना हूँ जो तुझे एक सूट दिवा दूँ। मनोज अब तो उससे भी ज्यादा हो गया, पर यू तो तेरा कर्ज है मेरे पे। अरे कर्ज रहने दे, तू धर लेना। मुझे न्यू बता जो तू मेरे से बात करना आई उसे बता क्या बात है वो। मनोज तैने उन गुंडों से मेरी इज्जत बचा के मेरे पे बहुत बड़ा एहसान करा, अगर तू ना आता तो पता ना के हो जाता। चल पागल, एहसान के होता इसमें, ये तो मेरा फर्ज है। मनोज अब तो मुझे रात को नींद भी नहीं आती, जिधर देखो बस तुम ही दिखाई देते हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सच मनीषा? हाँ मनोज। अच्छा मार में कंटे लग रहे थे, इसकी साथ रंग रलिया मना रही मारा उल्कू जाके। मनीषा प्यार तो मुझे तेरे से उसी दिन होगा जिस दिन तुमने पहली बार देखी, पर मैं तेरे से कह नहीं सका। मनोज अब तो दिल तुझे दे दिया, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं कहीं रहूं और मेरा दिल कहीं और। मनीषा कर वादा, मेरा साथ तुम छोड़ देगा भी? मनोज मैं वादा करती हूँ, मैं जीना छोड़ दूंगी पर तुम्हारा साथ नहीं। अरे सुने के जी, मैं खेतों पर जाऊं थेरा समारण। ठीक हो या? अरे वे दोनों बालक कहां हैं? मनीषा तो गई सपना के धोरा और राहुल यूं कह के गया, मैं भी आ रहा थोड़ी देर में। चल ठीक है कोई बात ना, तो मैं हो आऊं खेतों पर को। ठीक हां मनीषा कहां है? वो तो सपना के धोरा गई। अरे के बात होगी, क्यों लाल पेड़ा हो रहा? पापा इस मनीषा ने हमें कहीं मुंह दिखाने लागना छोड़ दा। अरे के बात हुई, बात तो बता।
तू ना कहीं सपना अपना के धोरे गई, उधर खेत में मनोज की गैल गुल छर्रे उड़ा रही है। तू होश में भी है क्या बकवास कर रहा? सही कह रहा हूँ मैं, सारे गांव में थू थू करवा रखी है। अरे एक बात सुन, उस मनोज को तो छड्डू ना, मैं जान तमारूंगा। अरे भाई तू रुक जा, शांत हो जा, मनीषा को आने पूछेंगे उससे। कहां तक मुंह काला करवा गई, हमने कहीं गांव में बोलने लाग छोड़ दिया क्या ना? ओए के बकवास कर रहा तू? अच्छा मैं बकवास कर रहा हूँ, उस मनोज गैल के कर रही तू खेतों में? मनीषा ये कह रहा है? पापा यू सही कह रहा, मैं मनोज से प्यार करूं और मैं उसके बिना ना रह सकती, मैं शादी भी उसी से करूंगी। मनीषा शर्म नहीं आई तुझे अपने बाप के सामने ऐसी बात करते हुए? और आज के बाद यदि मनोज से मिली ना तो तुझे जान से मार दूंगा। तुम कुछ भी कर लो, मैं उससे जरूर मिलूंगी, मैं उससे मिलना ना छोड़ूंगी। अच्छा आज इसको किससे ही खत्म कर दूंगा। अरे बेटा रुक जा, तू कहां जा रहा है? आज मैं उसे जान से मार दूंगा। देख ले तू इस घर का नाश करवाएगी, तू होते क्यों ना मर गई? तू के सोच रहा तू उसे मार देगा और मैं उसके बिना रह लूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी। मनीषा मान जा, क्यों हमारी बेइज्जती करवाने पर तुल रही तू? पापा कोई लड़का देख के इसका ब्याह कर दो, मैं तो मेरे हाथों से मर जाएगी हूँ, और मार दो उसे भी। सही कह रहा है, इसका ब्याह कर दो ना तो घर का नाश हो जाएगा। मैं किसी और से शादी बिल्कुल ना करूँ, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ मनोज से। चुप हो जा, नहीं तो तेरी जुबान बंद कर दूंगा। और तू इसका ध्यान ना रखे या घर से बाहर ना चली जा। और हाँ राहुल तू उस मनोज पर नजर रखियो। राम राम जी। हरी राम राम बढ़िया भाई, हरी राम राम। के बात होगी, क्यों गरम हो रहे? एक भाई राम राम करे और एक भाई मारे नाश्ते पीछे लग रहा। अरे कुछ हुआ अभी? खमा खाई गरम हो रहे, बता कुछ रहे। अच्छा हम खमा खा गरम मारे और उसे अपने भाई को समझा लिए, अगर वो हमारी लड़की से मिला या उसके पीछे पड़ा तो उसकी लाश बिछा देंगे लाश। ओ भोपाल बोलिए तो मुँह संभाल के, तुम्हारेगा मेरे भाई को काट कर दो कर दूंगा। पहले अपनी छोरी को संभाल, तुमने भी तो करा होगा कुछ। संभाल रखी हमने अपनी छोरी, हमारी छोरी ऐसी ना जबरदस्ती पीछे पड़ रहा है वो। एक हाथ क्या तेरी ना बजती, और तुम अपनी छोरी को समझा लियो और हम अपने छोरे को संभाल लेंगे। हाँ बस बता दी उसे समझा लिया अपने भाई को, नहीं तो जान से मार देंगे। जा जा बहुत देखे तेरे जैसे मारने वाले। भाई मनोज भी कभी नहीं सुधरे, किसी दिन कुछ कांड करवा कर रहेगा। भाभी 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 तो कितनी बढ़िया है, तू कितना काम कर रहे हैं घर का। की बात है देवर जी, आज तो बड़ी तारीफ कर रहे हो आप मेरी। तारीफ की तो बात है भाभी, तू सारा दिन काम करती रहे। समझ गई देवर जी, आज जरूर कुछ सिफारिश लगवानी होगी, जब ही तो तारीफ के इतने पुल बांधे जा रहे हैं। वही वाह, भारी भाभी तो पूरी ज्योति हो रही है, सारी बात पहले ही जान जा कद की होना है। जब देवर इतना तेज है तो भाभी तेज क्यों ना होगी, बताओ देवर जी क्या काम है। अरे भाभी कितनी बढ़िया है तू। चलो चलो अब ज्यादा मस्का मत लगाओ, ये बताओ क्या काम है। भाभी होना है भोपाल छोरिया, उसकी छोरी मनीषा, हम दोनों आपस में बहुत प्यार करें।
और हम शादी करना चाहे शादी को जुगाड़ करना। पागल हो क्या देवर जी, लव मैरिज और इस घर में? पिताजी को गुस्सा नहीं पता क्या तुम्हें? कितने गुस्से वाले हैं वो। अरे भाभी बस तो भाई को मना ले, पिताजी को तो वो अपने आप मना लेगा। हाँ मुझे पिटवा दो उनसे, मैं ना कहूँ उनसे कुछ भी। अरे भाभी देखे तू अपने देवर की नहीं इतना सब ना कर सकती। चल चल आज शाम को बात करके देखूंगी उनसे। मेरी भाभी कितनी बढ़िया है तू। अब ज्यादा मस्का मत लगाओ। चौबीस के मास समर से पहले लोग गलने दिया झटका। योगेश आ गया भाई, क्यों भर गए? हाँ जी भर गए। अच्छा बैठ गया हूँ तो भर गए पिताजी। पर क्या बता क्या बात है पिताजी? मैं तुम्हें बोल रहा करूँ था ना, अकित मनोज को समझा लो, इनने वही काम करता है। अरे इनके बीच वो दिया ने वो मिला था भोपाल छुरिया, उसकी लौंडी के चक्कर में पड़ रहा और मारने की धमकी दे रहे थे। भाई नाश करके छोड़ इस घर का, इतना नहीं हूँ घर एक साल हो लेगा ना इसका चैन नहीं पड़ेगा। हमें नहीं कहीं उठन बैठन जोगे दिमाग खराब करवा दिया तुम। है कहाँ वो मरे कहाँ एक बार तुम अजनू बता दे वो है कहाँ? क्या सर के मचा रखे तुमने, क्या बात है? आजा सुन ले अपने लाडले की करतूत, बिगाड़ तो तही रख गया वो। कुछ बताओगे भी, ये वैसे ही रुक के दे रखे। ये मार पिटाई के तो लाइने देख रखे ना, इब लगे आओ थोड़ी चेतन पता चल जाएगा मर्जर हो जाए इनमें। हाँ पिताजी वो मुझसे बता तो रहे थे कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। जब तक पहले तक पता थी ये बात तो तन्ना मजा क्यों ना बताई? आजी तुम मेरे पे क्यों चिल्ला रहे हो, मुझे कौन सा पहले से पता थी, अभी बताया थोड़ी देर पहले उन्होंने मुझे। इसका मामा बताता है एक छोरी, कर दो इसका ब्याह। अरे माँ मामा बताओ या कोई और बताओ, मैं ब्याह बिल्कुल नहीं करूँ, मैं मनीषा से प्यार करूँ शादी उसी से करूँगा। अरे मका मान जा इस गांव में इज्जत के झंडे बंद रखे, मेरे ब्याह करने से कौन सी इज्जत उगल रही है? मनीषा गली कर गई तेरा बैसू दिमाग खराब करा क्या सोचते इसने? मर गया तू हो नहीं ब्याह करने वाले मनीषा एक जारी पाई यू गायब है ऐसा, बस हट जाओ जाओ पर रखो चलो लेकर पर रखो। माँ मैं मनीषा से प्यार करूँ और मनीषा से मेरा प्यार करूँ। तू जाना है ना अपने बाप को, तुझे मार देगा जान से, और तेरे चक्कर में बेसर मुझे भी सुननी पड़े। चल मर ले अंदर को चल। ओ मनोज बात बढ़ गया के बता दिए भगा दूंगा। अब कहीं पेट में गैस वैस हो रही बता दिए चूरण दे दूंगा मैं। ना मेरा गैस हो रही और ना मेरा भोची पकड़ी, तुम यार ऐसे जाओ मुझे केला छोड़ दे। अरे नुको कर केला छोड़ दे, यार है तुम्हारा भाई है हमारा। और के न्यू ना छोड़ दे हम, तू दिक्कत बता दिक्कत के है, दिक्कत दूर करेंगे हम। अरे तुम मेरे यार, अगर तुम मेरे काम ना आओगे तो आपका कौन है? हाँ तो फिर बता क्या बात है? अरे मनीषा को तो तुम जानो ही हो, हम दोनों आपस में प्यार करें और हमारे घर वालों को लग गया पता, अब मिलने पे लगा रखे पाबंदी। यार तुम मिलने का जुगाड़ करो कुछ। अरन्यू कह रहा भूत ना चिपट रहा, तेरे पे तो प्यार का भूत चिपट रहा जिसका कोई इलाज ही ना। पर इन्हें मिलाने का कुछ जुगाड़ भी ठाना पड़ेगा नहीं? हाँ यार बैठाओ जुगाड़। अरे तू यू काम हम पे छोड़ दे, तुझे हम मिलवा के रहेंगे, क्यों सटकू? हाँ मटकू इच्छे कुछ भी हो जा ये काम हम जरूर करेंगे। अरे तुम मेरे सच्चे यार हो, इस काम को जरूर पूरा करियो। ठीक है तो हम चले। आ भाई ठीक है मनोज, हम काम जुगाड़ बना के आवे। हाँ, ये तो करना ही है।
मनोज यहाँ कैसे बैठा है? सपना ठीक है तू? कहाँ जा रही है? हाँ ठीक हूँ, खेतों में जाऊँ पापा के पास। मुझे तो नहीं पता मनीषा कैसी है। मुझे ना पता, मुझे तो मिले हुए भी कई दिन हो लिए और अब तो उसके घर वाले किसी से मिलन भी ना देते उसे। सपना तू कुछ भी कर, कैसे भी कर, बस मुझे एक बार उससे मिलवा दे। मनोज मैं कुछ नहीं कर सकती और वैसे भी अब तो उसकी शादी है। और वो मानगी शादी करने के लिए? हाँ वो तो कर रही है शादी। मनीषा मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती और ना ही वह मुझे धोखा दे सकती। वो तो मुझे पता नहीं, वो शादी के लिए तैयार है और शादी कर भी रही है। अच्छा मनोज अब मैं चलूँ, कभी मुझे तेरी गैल कोई देख ले वे। मरा जीण के तो देखे थे ख्वाब तेरे साथ, मेरा टूट गया रे दिलीप होंदी को ना बात। मरा जीण के तो देखे थे ख्वाब तेरे साथ, मेरा टूट गया रे दिलीप होंदी को ना बात। तेरी याद में रोया बुरा हाल जो, तेरी याद में रोया बुरा हाल जो, तेरी जुदाई मन मार की। रेक आसदार खेल दायो आसिक बनाया और आसिक बना के जीते जिन मारगी। एक आसदार खेल दायो आसिक बनाया और आसिक बना के जीते जिन मारगी। छोड़ना था तो क्यों जिंदगी में आई, आके जिंदगी में क्यों बड़े सपने दिखाए। करे झूठे थे वादे तेरे साथ रहूंगी, बस सारे में वादे तेरे जाते ना बुलाए। तने छोड़ना था तो क्यों जिंदगी में आई, आके जिंदगी में क्यों बड़े सपने दिखाए। करे झूठे वादे तेरे साथ रहूंगी, बस सारे वादे तेरे जाते ना बुलाए। तेरा छूट गया वो फोटो मेरे घर पे, तेरा छूट गया वो फोटो मेरे घर पे, जो बैठ के न साथ मेरे तारगी। रेक आसदार खेल दायो आसिक बनाया और आसिक बना के जीते जिन मारगी। एक आसदार खेल दायो आसिक बनाया और आसिक बना के जीते जिन मारगी। ओ प्यार खूब था जताया कदे करी थी लड़ाई, रे तू छोड़ ना दिए ना मैं जीना छोड़ दूं। ओ मारे बीच में जाया परिवार भी कदे, रे जे पड़गी जरूरत घर क्या ना छोड़ दूं। ओ प्यार खूब था जताया कदे करी थी लड़ाई, रे तू छोड़ ना दिए ना मैं जीना छोड़ दूं। मारे बीच में जाया परिवार भी कदे, रे जे पड़गी जरूरत घर क्या ना छोड़ दूं। रे धाकड़ सा छोरा यो फस गया, रे धाकड़ सा छोरा यो फस गया, वा धोखे आला छुरा मेरे मार गी। रेक आसदार खेल दायो आसिक बनाया और आसिक बना के जीते जिन मारगी। एक आसदार खेल दायो आसिक बनाया और आसिक बना के जीते जिन मारगी। मुझे तो पता ना कहाँ है, मुंह से बनाए हांड है। तभी ना पता और किसे पता? अरे मैं उसके पीछे पीछे फिरूं, मैं घर में हूँ, मुझे क्या पता कहाँ है। ओ चाचा, ओ चाचा, मुंह क्यों बना रहा? चाचा, हाँ, ओ चाचा, क्या बात हो? वो मनोज, अरे राम का बताइए क्या कर दिया उसने?
चाचा मनोज नदी में डूब गया। तो है। अरे तू क्या भाई पूछ रहा। अरे ढूंढ ला मेरे मनोज को, उसके पता ही ना कहाँ चला गया। माँ जी आप चुप हो जाओ, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे मनोज किला छोड़ गया ना। अरे मैं तेरे बिना कुकर काम करूंगा, कुकर के इतवाले एक बार तो आ जा। अब कैसे चुप का लौट गया क्या? अब किस पे जूत बजावेगा? घर में बढ़ते बाप बेटा दोनों लड़े थे उससे, अब किससे लड़ेगा? अरे हो गए तुम क्या आधार बात में मातन ने सिर पे चढ़ा रखा है। अरे मेरे को लाश ढूंढ कर अरे मैं तो अपने को गोदी में बैठा लूंगी सिर पे सितार के, मेरे को ढूंढ के ला दे कैसे। ओए मनोज महाशय जी, आजी होका भरता जाई भर तो रहा आयु भर दे मनसु की डाल भर दे भीतर चले भर कर यहां कम है जा भीतर जा जा सब कम याद ही करेगा होका भरन जा रहा आयु की कर यार ये लोग कनी मेरे आगे आगे सब। पिताजी तुम्हें एक बात कहूं? कह दे। मैं यूं कह रहा हूँ हुक्का इतना मत पिए करो, तब मर जाओगे, थारा जी निकल जाएगा, किसी दिन फैल जाओगे इसी घाट पे। फिर भरिए ना तो। अब मैं तो हुक्का ना भरने के मारे कह रहा हूँ। तेरे जूते इतने मारू का आइडिया। माने सोचा मैं तुझे नू कह रहा काम कर लिया कर, इन वक्त तक गुजारा नहीं होता जो तू करे। बापू तेरे होते मुझे की कमी है, और गुजारा जब तुम बैठे बढ़िया हो रहा है। गुजारा तो बेटी हो जाए, और क्या कहता है तुझे ना मेरा बापू काले कुर्ते वाला, कोई डरी नहीं हमें। बापू तेरे होते हुए काहे का डर है हमें। जो नहीं कर रहा काम कर रहा है, चलो कर रहा। कहाँ जाता तू? मैं आ रहा हूँ काम बस। टेम पाजी ये बता रहा हूँ तुझे, ना छोल दूंगा किसी दिन गैर कैसे मारेगा। अरे माँ तू कहाँ जा रही है? चलिए मुझे रोटी देख। मेरे ला रही हूँ बेटा।
पापा लो चाय पी लो। तेरे इतने मारू मनोज के बच्चे जवान हो रहा थे बाड़ू मार मारना छोड़ दे। अरे छत्ती भीतर को करके चला कर बेवकूफ क्या थी मांगा है? और जा अपनी मम्मी पे तो दूध ले ले। चल निंगे गुजा। अच्छा वही है जिसकी मेरी मारा छोड़ा खो दिया है। वही है जो उनकी मेरी हमने छोड़ा खो दिया अपना। अरे यहाँ के गोबर खाना ही है तन्ना। मेरा बेटा प्यार के जाल में फांस के और मेरा मरवा दिया और तन्ना दूसरी जगह शादी कर ली है। अरे मेरे को लेके कहीं चली जाती मेरा मरता तो ना। निकट जा मेरे घर से। बता रही तुझे जा। माजी माजी मेरी बात तो सुनिए। मुझे इस सब के बारे में सच में कुछ भी नहीं पता था। मुझे तेरी कुछ नहीं सुननी जाए ऐसा। आपको क्या लगता है माजी मैं जिंदा हूँ? अरे मैं तो उसी वक्त मर गई थी जब मेरे घर वालों ने मेरी शादी जबरदस्ती किसी और के साथ तय कर दी। मैं तो बस एक जिंदा लाश बन के जी रही हूँ। और मैं तो कल भी मनोज की थी आज भी मनोज की हूँ। मनीषा मनोज तो अब रहा नहीं। अब इन बातों का क्या फायदा? मैं भी मनोज के बिना जिंदा नहीं रह सकती। जहां वो चला गया है मैं भी वहीं चली जाऊंगी। अबे सटकू तू भी काय में लगा रहे। तेरे पास कुछ हिल्ला है ना है? अरे मटकू तुझे क्या पता। तू तो बस अपने बगदाई में मशहूर रहे हैं। ये बहुत काम की चीज है। दिख रही कैसी काम की चीज। ये देखे मेरे साथ जा रही थी कहेंगे वो लगे तो ऐसी है। और ये नदी की तरफ को क्यों जा रही? चल भाई एक काम कर चल के देखेंगे। ओ मनीषा अरे रुक तो सही। ओए तो सही एक बार। ओ मनीषा और तो सही। मनीषा के बात है कहाँ जा रही भागते हुए? हट जाओ मेरे आगे से मुझे जीने का कोई हक नहीं। पागल मत ना बना मनीषा। तो बात बता बात क्या है? जब मनोज ही नहीं रहा तो मैं जी के क्या करूंगी। हम दोनों ने साथ जीने मरने की कसमें खाई थी और उसने मेरे लिए अपनी जान दे दी। और आज मैं भी उसी नदी में कूद के अपनी जान दे दूंगी जहाँ मनोज ने खुदकुशी की थी। हट जाओ। रुक जा मनीषा मनोज ने खुदकुशी ना की थी। उसे मार के नदी में फेंका था। यू के कह रहा मटकू तू? मटकू सही कह रहा मनीषा। मनोज को मार के नदी में गिरा था। यू के कह रहे तुम दोनों? किसने मारा मनोज को? मनीषा हम नदी किनारे जड़ी बूटी ढूंढ रहे थे और हमने देखा। बहुत दिन में जाके फंसा। एक तो मैं घने दिन तक तलाश में आ। राहुल जा चला जा तू। अगर तू मनीषा का भाई ना होता ना तो आज बता देता कि लात कैसे मारी जा। अच्छा आज तारंगे तेरा आस्की का भूत। तू तारंगा मनोज की आस्की का भूत। We'll be right back.
निकट गास की का भूत अब ऐसे ही काटने। मनोज जा, तेरी बात किसी को बता दी ना तो तुझे भी मनोज के द्वारा पहुंचा दूंगा। मनोज मेरा भाई। यह है सच्चाई, मनोज को तेरे भाई ने अपने दोस्तों के साथ मिल के मारा और हमने ये बात इसलिए छुपाई, तेरे भाई ने हमें मारने की धमकी दी थी। मैं उसे जान से मार दूंगी। बक्कू चल देखेंगे पत्नी क्या कर बैठे हैं। मैं तो ठीक रहा भाई। बस भोपाल की अकड़ ने और इसके गलत फैसले ने दोनों बालकों की जिंदगी तबाह कर दी। यह बात तो है पिताजी, पर ये बताओ कर भी कैसे गए। मनोज अरे कहाँ था मेरे लाडले, मेरे भाई कहाँ चला गया था तू? चल बैठ, ठीक तो है तू? पागल हो गए थे तेरे बिना। कैसे लगी चोट? बता क्यों चुप बैठा तू? तूने यार के बारे में ना सोची, हमारे दिल में क्या बीती? तुझे तो जी मार गया अपनी माँ को। यू कैसे लगी तेरे चोट बता? तू मारा है कि किसी ने? नू बता दे। बस रोवन अब चुप हो, आ तो गया घरू। अरे मनोज तू चले गया, नू मान मेरी एक बाजू कटी, मुझे कुछ नहीं देख रहा था। मैं तो सांस क्यों कर ले रहती, तुझे पता नहीं इस बात का। देवर जी तुम कहाँ थे इतने दिन? तुम्हें अपने घर परिवार की बिल्कुल भी याद नहीं आई? याद तो जब आती मुझे जो होश होता, जैसे मुझे होश आया मैं यहाँ आ गया। अरे मेरे बेटे मनोज ने तो बता दे तू था कहाँ इतने दिन थे? तुमने इतना बड़ा कदम उठाया क्यों वो बता दे मुझे। जब मुझे मेरे प्यार ने धोखा दे दिया और तुम भी मेरे ब्याह की ना मान रहे तो बताओ मैं क्या करता? मैं नदी के किनारे बैठा या वहाँ राहुल आया, राहुल से मेरी लड़ाई हुई, उसने पीछे से मेरा लाठी मार दी सिर में और मैं नदी में फेंक दिया। देवर जी मनीषा ने आपके साथ कोई बेवफाई नहीं करी और ना ही उसने आपको धोखा दिया है। उसके पिताजी ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी आपको मारने की धमकी देके, और वो अभी यहीं से गई है। अरे भाभी क्या कह रही है तू? अरे कहाँ गई है मनीषा? पता नू कह रही थी मैं उसके बिना ना रह पाऊंगी, जहाँ मनोज चला गया वहीं चले जाऊंगी मैं भी। मनीषा पकड़ तू किसने कहा था? अपनी बैठे थे पर चुप्पी।
घेर के जुटवा दिया वही काम। रुक जा बैठे कुछ मनीषा का भी पता है ना अभी तक वो मुझे ना पता कहाँ गई। अरे आ जाएगी अपनी सहेली के घर गई होगी। कुत्ते मैं तुझे जान से मार दूंगी। तूने मेरे मनोज को मारा। रुक जा मनीषा बेटी रुक जा। हमने जो भी करा तेरे फायदे के लिए करा। बेटी कौन सी बेटी? आपकी बेटी उसी दिन मर गई थी जब मेरी शादी जबरदस्ती आपने कहीं और कर दी थी। यो क्या कह रहे बेटी तू? हमने जो भी करा तेरे भले के लिए क्या? जब मैंने आप सबकी बात मानकर उससे शादी कर ली थी तो आप सबको मेरे मनोज को मारने की क्या जरूरत थी? मनीषा बेटी मनीषा सुन ले। मेरे पास कोई भी नहीं आएगा। रिचमैन चक्कू को लगा मेरे पास। जहाँ तुमने मेरे मनोज को भेज दिया मैं भी वहीं चली जाऊंगी। मनीषा 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 तुमने ये क्या करा? मनोज तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे? मनीषा मैं तो तुम्हारे पास ही आ रही थी। मनीषा मैं तुझे कुछ नहीं मार दूँ। मनीषा तू चल। नहीं नहीं मनोज मेरे पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। बस मुझे अब तुझे जी भर के देख लेने दे। गोपाल छुरिया के करवाया था यू की लग जा रहा हूँ। तेरे मरे कौन से गोत लगे थे जो तू ना बनना? ओए तो मर गई छोरी। मनोज स्वादी पे मनोज उठले भाई मनोज मनोज अरे बच्चे ओ प्यार खूब था जताया कदे करी थी लड़ाई रे तू छोड़ ना दिए नाम जीना छोड़ दूं। ओ मारे बीच में जाया परिवार भी कदे रे जपड़ की जरूरत घर क्या न छोड़ दूं। ओ प्यार खूब था जताया करते करी थी लड़ाई रे तू छोड़ ना दिए नाम जीना छोड़ दू। मारे बीच में जाया परिवार भी कते रे चप्पड़ की जरूरत कर क्या न छोड़ दू। रे दाकड़ सा छोरा यो फस गया रे दाकड़ सा छोरा यो फस गया
बापुआ तो खे आला छुरा मेरे मार की रेक आसदा रखेल दायो आसिक बनाया और आसिक बना के जिते जीन मारगी एक आसदा रखेल दायो आसिक बनाया और आसिक बना के जिते जीन मारगी